हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टूडेंट साइंस लेसन नंबर 5, दैट इज़ फूड सेफ्टी। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी ओनली क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स सी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, सो यू हैव टू राइट करेक्ट ऑप्शंस। ओके, मीन्स ओके या गिवन ऑप्शंस, आपको कई सारे दिए गए हैं, कौन सा किस में है वो आपको चूज़ करना है। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखना है अगर, तो आप देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे सारे वीडियोस एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जस्ट फटाफट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्राइंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्म्स अंडर द हॉट सन इज़ कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। राइट, पढ़ा हुआ है हमने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें। मटेरियल्स लाइक मिल्क आर इंस्टेंटली कूल्ड आफ्टर हीटिंग, बहुत गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तुरंत के तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पास्चराइजिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, पहले का ये दिया हुआ है, दूसरे का यहाँ पे भी दिया गया है, थर्ड का देखिए। सॉल्ट इज़ अ नेचुरल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, आप देख सकते हो आंसर। नाउ फोर्थ वन इज़ विनेगर इज़ अ केमिकल। ओके, केमिकल बट वी कैन से इट्स लाइक नेचुरल, नेचुरली वी कैन मेड विनेगर। राइट, विनेगर इज़ अ केमिकल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। देयर इज़ अ लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट व्हेन द फूड इज़ स्पॉइल्ड। ओके, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फूड स्टफ्स मे बी स्पॉइल्ड ड्यू टू बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड स्टफ स्पॉइल्ड। ओके, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज अ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ द फूड, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर लेंगे, एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे उसका, तो ये फूड का जो होता है ना क्वालिटी बिगाड़ देता है। ठीक है, डैश कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज टू मेक बनानास, बनाना को ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा येलो, एकदम येलोइश दिखाने के लिए, ब्राइट येलो दिखाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं और दूसरे अदर केमिकल का यूज़ करते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे आंसर है, यू कैन राइट इन योर वर्कबुक। ओके, आपको और कोई वीडियो चाहिए, ये आपने कमेंट किया इसलिए मैंने इसको बनाया। आई थिंक मैंने ऑलरेडी खुद से आंसर बनाया था इसका, बट यहाँ पे आपने डाइजेस्ट का मांगा है तो मैं वापस से इसको बना रही हूँ, और एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो भी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, रीराइट द स्टेट फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग देम, तो जो गलत है उसे वापस से करेक्ट करके लिखना है। पहला क्या है, फूड सम फूड स्टफ आर स्पॉइल्ड, कुछ फूड स्टफ स्पॉइल हो जाते हैं किसके ड्यूरिंग व्हाट केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टैक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के कॉन्टैक्ट में आके उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं, दैट इज़ ट्रू। ओके, कुछ लोग यहाँ पे बोला गया हमारी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड नेवर हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हंगर, सो ये फॉल्स है। ठीक है, सो मैनी पीपल इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, बहुत देशों में, हमारे देश में लोग भूख की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, मच फूड इज सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कस्टम ऑफ ऑफरिंग सर्विंग फूड द गेस्ट एंड ट्रेडिशनल फीस्ट, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज मच फूड इज़ वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कस्टम ऑफ ऑफरिंग एंड सर्विंग फूड टू गेस्ट एट ट्रेडिशनल फेयर, जैसे कुछ भोज वगैरह रहता है, फंक्शन रहता है, तो हम उन्हें ज़्यादा ज़्यादा सर्व कर देते हैं, तो वो क्या होता है उसकी वजह से वेस्ट होता है ना, अगर उनको जितना खाना है उतना वो खुद से लें तो वो वेस्टेज नहीं होगा, तो ऐसा बोला गया है। यहाँ पे जब बहुत सारे हम ट्रेडिशन वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोगों को खाना देते हैं, ऑफ़र करते हैं, उसमें बहुत सारे खाना वेस्ट होते हैं, फेंका जाता है। FDA is private organization that controls production distribution of food and drugs by their standardization, that is also false, that is government organization as we know that controls production distribution of food and drugs by the standardization. Fifth one is one must finish all the food that is being taken in the plate, that is true,
okay, mishandling of fruits like grapes and mangoes cause qualitative damage. That is also false statement, because mishandling of fruits like grapes and mangoes cause quantitative damage. Okay, ये हमने पूरा आंसर देखा उसका. फाइंड द ऑड मैन आउट. सॉल्ट, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट. बेंजोएट तो क्या है यहाँ पे? सॉल्ट. ओके, बिकॉज दीज आर केमिकल. ओके, एंड सॉल्ट इज नेचुरल. सो लखी दाल, ब्रिक्टस, मेटानाइल येलो, टर्मरिक पाउडर. सो टर्मरिक पाउडर इज ऑड मैन आउट. बनाना, एप्पल, गुआवा, आमंड. सो आमंड इज ड्राई फ्रूट, बट दीज आर ओनली फ्रूट्स. स्टोरिंग, फ्रीजिंग, सेटलिंग, ड्राइंग. सो स्टोरिंग इज ऑड मैन आउट. ओके, नाउ कंप्लीट द चार्ट बिलो. यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लैंक दिया गया है वही आपको आंसर लिखना है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? टर्मरिक पाउडर. और यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो यहाँ पे डार्क बोल्ड में है, आप देख सकते हो. जैसे यहाँ पे ब्लैक पेपर है, साइड में क्या आएगा? सीड ऑफ पपाया. उसमें वो मिक्स करते हैं ना, जो मिक्स किया जा रहा है वो बता रहे हैं. रवा में क्या मिलाते हैं? आयरन फिलिंग्स मिलाते हैं. हनी में क्या मिलाते हैं? वाटर ऑफ जैगरी, गुड़ का पानी. फूड स्टफ अभी यहाँ पे देखिए मिल्क में क्या मिलाते हैं? मिल्क में मिलाते हैं वाटर एंड यूरिया. रेड चिली पाउडर में क्या मंगाते हैं? ब्रिक पाउडर मिलाते हैं. ब्लैक पेपर में क्या मिलाते हैं? सीड्स ऑफ पपाया. आइसक्रीम में क्या? वॉशिंग पाउडर, पेपर पल्प. ओके, सो इट्स वेरी हार्मफुल. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिया एंड वॉशिंग पाउडर, सो एज वी नो यूरिया किस में पड़ता है? खेत में पड़ता है वो. ठीक है, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े रहे हैं वो मर जाएं और फर्टिलिटी बढ़े. वो अगर हमारे पेट में जाएगा तो क्या होगा? और वॉशिंग पाउडर जो हम यूज़ करते हैं किस में? बर्तन कपड़े धोने में. वो अगर हम खाने में यूज़ करें तो क्या हाल होगा पेट का? सो इट्स वेरी हार्मफुल. वॉट शेल वी डू, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, देयर आर वेंडर सेलिंग अनकवर्ड स्वीट मेट्स इन ओपन प्लेसेस इन द मार्केट. मार्केट में जो वेंडर होते हैं, फिर जो रहते हैं दुकान वाले, वो क्या करते हैं? खुला हुआ स्वीट्स में मिठाई वगैरह बेचते हैं मार्केट में. क्या किया जाना चाहिए फिर? तो इस तरीके से जो बेचे जाते हैं रोड पर वो कभी नहीं खाना चाहिए. यह हमेशा क्या होता है? इन्फेस्टेड होती है किससे? हाउस फ्लाई से, क्योंकि वो उस पर बैठती है गंदी जगह से आके. और ऐसे फूड क्या होते हैं? पॉल्यूटेड होते हैं, कंटेमिनेटेड होते हैं और वेरी बैड फॉर हेल्थ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006, सच वेंडर्स कैन बी पनिश्ड. उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है. इसीलिए कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट सच वेंडर्स. ऐसे जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए लोकल म्यूनसिपालिटी से कंप्लेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे बेचेंगे तो लोग खाएंगे, लोग खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे. सो वी मस्ट ऑल्सो परसुएड अदर पीपल टू अवॉइड सच अनकवर्ड फूड. तो हमें इससे बचना चाहिए. अब पानीपुरी वाला इज सर्विंग द पानीपुरी विद डर्टी हैंड्स. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को अवेयर करना चाहिए जो भी इससे पॉसिबल इफ़ेक्ट्स होते हैं. जो हम डर्टी पानीपुरी खाते हैं क्या इफेक्ट हो सकता है उससे? सो वी शुड ऑल्सो टेल द पानीपुरी वाला टू क्लीन हीज हैंड. अपने हाथ को धोए वो, नहीं तो इससे लोग बीमार हो सकते हैं ऐसे पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड खाना खाने से, पानीपुरी खाने से. सो यहाँ पे देखिए, वी हैव परचेज्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ज़्यादा हम खरीद लेते हैं तो क्या हो जाता है? ज़्यादा खरीद लेते हैं मार्केट से, तो ये क्या होना चाहिए? ये क्लीन होना चाहिए थ्रू वॉशिंग, धोके. सो देन दे शुड टू वाइप विद अ क्लीन क्लोथ. उसके बाद अच्छे साफ कपड़े से पूछना चाहिए. इफ़ दे आर पेरिशेबल दे शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. अगर वो अच्छे कंडीशन में हैं तो उन्हें रेफ्रिजरेट कर सकते हैं प्रॉपर वे से. अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है देन दे शुड बी केप्ट इन पोरस बास्केट. पोरस बास्केट यानी कि मतलब कि ऐसे हवा जिसमें जा सके. एंड कवर्ड ओवर द विथ पेपर और क्लीन क्लोथ. और किससे कवर होना चाहिए? वो पेपर या क्लीन क्लोथ से. वी नीड टू प्रोटेक्ट फूड स्टफ फ्रॉम पेस्ट लाइक रैड्स, कॉकरोच, वॉल लिजार्ड, छिपकली. ये जो है रैड, कॉकरोच, इन सबसे बचा के रखना चाहिए. क्यों ऐसा करना चाहिए? सो ये फूड स्टफ जो स्टोर रहते हैं सेफ और क्लीन होना जरूरी है. ठीक है, सो द प्लेस ऑफ स्टोरेज कैसा होना चाहिए? क्लीन, प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड होना चाहिए जहाँ पर हम रखते हैं सामान को. कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर और फूड कवर्ड इज बेटर वे ऑफ प्रोटेक्शन. सबसे सही क्या पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर में रख दो या फिर फूड कवर्ड में रखना है. ठीक है, जहाँ पे वो सेफ रहे.
कुछ इस तरीके से इंसेक्ट्स की रीच उन तक ना हो। नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ इज़ मिल्क पास्चराइज्ड? द मिल्क इज हीटेड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड देन कूल्ड इट क्विकली। इतना ज़्यादा उसे बॉयल किया जाता है, तुरंत तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो तुरंत तुरंत मर जाते हैं। मतलब कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हीट की वजह से मर जाते हैं, और कुछ अगर मान लो कि हीट की वजह से नहीं मरे तो वो कैसे मर जाएंगे, तुरंत तुरंत कूल डाउन कर दिया गया तो उससे मर जाएंगे। तो इससे क्या होता है, लंबे टाइम तक सेफ रहता है मिल्क। वाई शुड वी नॉट कंज्यूम अडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल्स? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके के खाना खाने से, अडल्ट्रेशन खाना खाने से हमारी बॉडी डिफरेंट वेज में अफेक्टेड हो जाती है। इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है और हमारे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ इस तरीके से जो अडल्ट्रेंट्स खाने हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं। इट, ये क्या है, इट यहाँ पे, और ये क्या, ऐसे जो कंटेमिनेटेड फूड हैं ये कंज्यूम किए जाते हैं अगर लंबे टाइम तक, तो ये कैंसर का भी रूप ले सकते हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है। सो इट मे कॉज कैंसर, ओके, इफ़ दिस काइंड ऑफ फूड इज़ कंज्यूम्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट मे कॉज कैंसर, सो इट्स वेरी हार्मफुल। वॉट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन? क्या डिफरेंस है इसमें, कि प्रोटेक्शन और फूड प्रिजर्वेशन में? तो प्रोटेक्शन, ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन इज, फॉलोज, यहाँ पे दिया गया है, ये एक पॉइंट दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटिटेटिव वेस्टेज फूड, हाउ डज क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड टेक प्लेस, कैसे होता है ये? सो देखो, वेस्टेज ऑफ फूड इन नंबर्स और क्वांटिटीज इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेस्टेज। रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर हम रॉन्ग मेथड से फार्मिंग करते हैं, सो जैसे बीज बोने में, और इन अडिक्वेट थ्रेशिंग, अगर थ्रेशिंग अच्छे से नहीं की, यानी थ्रेशिंग क्या होता है, जो अनाज निकालने की प्रोसेस होती है उसके प्लांट से, या फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब से क्या होता है, क्वांटिटेटिव लॉस होता है, मतलब काफ़ी मात्रा में उनकी बर्बादी होती है। मच फूड इज़ वेस्टेड ड्यू टू कस्टम ऑफ ऑफरिंग एंड सर्विंग, जैसे ज़्यादा फूड वेस्टेज कब होता है, जब कुछ ऐसे ट्रेडिशनल से शादी ब्याह रहा, उसमें कुछ पार्टी वगैरह किया, उसमें तो कितने सारा खाना बनता है, आते हैं, अगर कम ज़्यादा लोगों के लिए बनवाया, आए कम लोग, तो सारे खाने वेस्ट हो गए। तो ये सारे रीज़न होते हैं। सो इसी तरीके से जो बफेट सिस्टम होता है, मेनी पीपल फिल द प्लेट्स अननेसेसरली एंड देन दे थ्रो द फूड स्टफ अन ईटन, क्या करते हैं, जो बफेट सिस्टम भी होता है, तो पहले क्या होता था कि जैसे कि पहले तो लोग सर्व करते थे, जितना जिसको चाहिए होता था वो मांगते थे, है ना। अभी बफेट सिस्टम में क्या होता है, लोग जितना मतलब ज़्यादा ज़्यादा ले लेते हैं, भले से खाया नहीं जाता, और क्या करते हैं उसको, फिर वो फेंकते हैं। पहले क्या सोचा गया कि ऐसे वेस्ट होता है, ज़बरदस्ती लोग रख देते हैं खाने के लिए, उनसे नहीं खाया जाता है, फेंक देते हैं। फिर लोगों ने बफे सिस्टम स्टार्ट किया कि लाइक ये क्या होगा कि लोगों को जितना चाहिए रहेगा उतना ही लेंगे, लेकिन उसका उल्टा नतीजा क्या हो रहा है कि लोग अच्छी, उनको लगता है बहुत खा लेंगे, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय क्वालिटेटिव वेस्टेज, अब हमने देखा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव वेस्टेज क्या होता है, तो आपको क्या करना है, रिफर टू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर में, ठीक है। क्वालिटेटिव आंसर ऊपर में ही देखना है। जस्ट मिनट, हाँ, तो ये दिया गया है यहाँ पे, इसका आंसर ये पूरा वो नीचे आएगा, अभी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सो इसका आंसर वही नीचे जो मैंने आपको दिखाया वही है, ठीक है, कि आप क्वालिटेटिव वेस्टेज का मतलब क्या समझते हो, और ये किस तरीके से, हाउ डज क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड टेक प्लेस, कैसे होता है ये, वो उसका आंसर नीचे देखेंगे अभी है। हाउ डज फूड स्पॉयलेज ऑकर, फूड स्पॉयलेज कैसे होता है, और अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं इसके फूड स्पॉयलेज की। सो फूड स्पॉयलेज ऑकर्स टू मेनी रीजन्स, फर्स्ट पॉइंट इज द रॉन्ग एंड केयरलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ फ्रॉम द फार्म टू द कस्टमर कैन कॉज फूड स्पॉयलेज। तो ये रीज़न होता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
ये सब पूरा आंसर, ये सारा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ एक्सप्लेनेशन वाले में, ठीक है। सो आप वो ज़रूर देख लेना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये तो पहले भी हम देख चुके हैं जो उसमें हार्मफुल चीज़ें डालते हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग होती हैं हमें खाने के बाद, हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वॉट मेजर्स यू विल टेक फॉर प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज, इसके भी आप पॉइंट्स देख सकते हो, सेवन पॉइंट तक दिया हुआ है, ओके। तो आप इसका आंसर देख सकते हो, मतलब बोला गया कि फूड वेस्टेज को किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो, क्या मेजर्स आप ले सकते हो, ठीक है। अभी देखिए क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड यहाँ पे आ गया आंसर, जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर सेवन में दिखेगा आपको, सेवन के वन में, वो अभी यहाँ पे आ गया। किसका आंसर, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा, ये यही बताया था क्वेश्चन नंबर सेवन के वन में बताएगा आंसर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन का वन, ये क्वेश्चन नंबर सेवन का वन पॉइंट आंसर ये रहा। रेमेडीज़ क्या है इसके, कैसे रोका जा सकता है इसको, तो ये है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। द कुक्ड राइस इज़ अंडर डन, अभी फर्स्ट का हमने ये देखा आंसर, अब सेकेंड क्वेश्चन ये है द कुक्ड राइस इज़ अंडर डन, सो ये आंसर है इसका, अब रेमेडी इसका ये है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द वीट दैट वॉज बॉट इज अ बीट मॉइस्ट, सो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है। फोर्थ वन इज द टेस्ट ऑफ योगर्ट इज टू सावर स्लाइटली बिटर, आंसर इज गिवन ओवर हियर, रेमेडी ऑल्सो इज गिवन ओवर हियर। कैन फ्रूट्स हैव टर्न ब्लैक, सो येस द केमिकल रिएक्शन स्टार्ट इन द कट फ्रूट्स विच मेक देम ब्लैक, जो कटे फ्रूट्स होते ना वहीं पे ज़्यादा पहले ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो इस तरीके से कट फ्रूट्स होते हैं ना, उनको तुरंत के तुरंत क्या करना चाहिए, टाइट कंटेनर में रख देना चाहिए, जो सीजनिंग फ्रूट्स पीसेज हैं, ठीक है, उन्हें उन पर थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट डाल के रख सकते हैं जिससे कि वो ब्लैक ना पड़े। फूड रिमेन सेफ एट 5 डिग्री सेल्सियस, सो इन कोल्ड टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शंस, क्या बोला गया है, गिव रीज़न, क्यों 5 डिग्री सेल्सियस पे फूड सेफ रहते हैं, तो इसका आंसर दिया गया है, जो बैक्टीरिया फंगाई ये जो होते हैं ना, तो ये इस टेम्परेचर में, सच लेस टेम्परेचर में रहते हैं, बहुत कम टेम्परेचर में रहते हैं वो, इसलिए फूड स्टफ क्या रहता है, सेफ रहता है इस तरीके से, ओके। मतलब कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया फंगाई होते हैं विच स्पॉइल द फूड, जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं बहुत, जब लेस टेम्परेचर होता है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस बहुत लेस टेम्परेचर हो गया ना, तो इसमें वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जल्दी खाना ख़राब आपका नहीं होगा, सेफ रहेगा। आजकल क्या होता है कि फूड सर्व किया जाता है बुफे स्टाइल में, जब लार्ज बहुत भीड़ भाड़ रहता है लार्ज गैदरिंग में, सो इसका रीज़न क्या है, बुफे स्टाइल इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द फूड वेस्टेज एंड सेव द फूड, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों ने क्या सोचा कि इससे फूड की वेस्टेज नहीं होगी, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू टेक द अमाउंट ऑफ फूड दैट दे कैन कंज्यूम, लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि लोग क्या करेंगे, खाना उतना लेंगे जितना वो खा सकते हैं, एंड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्विंग द फूड रिजल्ट इन टू वेस्टेज एंड हेंस नाउडेज फूड इज सर्व बुफे स्टाइल ड्यूरिंग लार्ज गैदरिंग्स। अभी ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि फूड सर्व किया कर दिया जाता था, इसकी वजह से ज़्यादा वेस्टेज हो जाता था, लेकिन फूड जो अभी बुफे स्टाइल में हो रहा है, बुफे स्टाइल में वो क्या हो रहा है कि इस स्टाइल में अभी लोग करने लगे, ठीक है, लेकिन इसमें भी वेस्टेज होता ही है। ओपन एंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन का जस्ट मिनट ये रहा, हाउ एंड वेयर इज़ फूड वेस्टेड, इसका आंसर यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो, ओके। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ऊपर के जितने आंसर अगर आपने लर्न कर लिए तो नीचे के क्वेश्चंस, और अगर आपने समझ लिया ऊपर के जो भी क्वेश्चंस हैं तो ये नीचे का, तो आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर जितना था उतना हो गया आपका, मैंने कंप्लीट कर दिया है, बता दिया, यहाँ पे कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना।